सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेसीबी का स्टेबलाइजर का जो पैड रहता है, अगर वो नीचे गिर जाता है या निकल जाता है, उसका बोल्ट कट हो जाता है, तो हमको उस कंडीशन में क्या करना है, इमरजेंसी में हमको क्या करना है, ठीक है ना। एक देसी जुगाड़ बताऊंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपका स्टेबलाइजर फिर से लग जाएगा और आप आसानी से उसका नीचे का जो पैर रहता है लगा के आप आसानी से चला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि हमको किस तरीके से करना है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है कि हमारे स्टेबलाइजर में जो कि यहाँ पे बोल्ट यहाँ पे कट हो गया है, देखिए जिस तरीके से इसमें कट हुआ था, मैं बोल्ट यहाँ पे इमरजेंसी में लगाया हूँ, जो कि बोल्ट यहाँ पे कट गया है इमरजेंसी में, मैं ये लगा दिया हूँ यहाँ पे खम्बी राड, मतलब सरिया बोलते हैं, इसको मैं लगा दिया हूँ। और चलते हैं उस साइड, दिखाते हैं कि मतलब कैसा कटा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला स्टेबलाइजर है, जो कि हमारा यहाँ पे पिन जो है कि पूरा यहाँ पे निकल गया था और यहाँ पे पूरा बोल्ट यहाँ पे कट हो गया, देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे बोल्ट है जो कट होकर निकला है। तो अभी जो है कि हमारे पास बोल्ट नहीं है, नट बोल्ट नहीं है, तो इमरजेंसी में हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको सरिया खोज लेना है, कहीं पर भी आपको इस तरीके का सरिया मिल जाएगा, इस तरीके का मिल जाएगा। तो आपको सीधा सैंपल में क्या करना है, इसको आपको फिटिंग करना है, मतलब जिस तरीके से, मतलब इसका होल है ना, ये यहाँ पे जो सरिया बैठता है, इस तरीके से आपको अच्छे से बिठा लेना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे डाल के इसको बिठाया, मतलब इस तरीके से फिट करेंगे तो खाली इसमें बोल्ट डालना ही रहेगा, बोल्ट डालेंगे फिटिंग हो जाएगा। लेकिन देखिए अभी इमरजेंसी में हमको सरिया लगाना है, तो सरिया इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, सीधा कर दिए हैं और यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम सेंटर कर देंगे, इस तरीके से सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा सेंटर हो गया, और यहाँ पर कुछ करना नहीं है, इस तरीके से लगा के देख सकते हैं ये भी बोल्ट जो है कि उसी में का कटा हुआ है और कट गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी में हमको सरिया लगाना ही पड़ जाएगा, किसी भी मशीन में इस तरीके का होता है, आपके मशीन में अगर चला रहे हैं तो आप सरिया लगा दें ऑटोमेटिक में, मतलब इमरजेंसी में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसमें भी लगाया हूँ सरिया और इसमें भी लगा रहा हूँ, तो इसमें इस तरीके से लगा दिया हूँ। अभी क्या करना है, इस तरीके से लगाने के बाद सबसे पहले मशीन को स्टार्ट करना है, यहाँ पे चलते हैं मशीन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मशीन हमारा स्टार्ट हो गया और कुछ करना नहीं है। अभी यहाँ पे हमारा लगा है ना, तो यहाँ पे स्टेबलाइजर को खाली उठा देना है, इस तरीके से ऊपर कर देना है, यहाँ पे स्टेबलाइजर को ऊपर करना है, देखिए इस तरीके से ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिक सरिया आपका बैंड हो जाएगा। यहाँ से मशीन बंद करते हैं और फिर हम चलते हैं यहाँ पे, मतलब नीचे और दिखाते हैं कि मतलब किस तरीके से बैंड हुआ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, देख सकते हैं ये हमारा सरिया यहाँ पे लग गया है, मतलब बैंड हो गया है। अभी आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा इसको नीचे करके हम दिखाते हैं मतलब किस तरीके से बैंड हुआ है, मतलब अगर बड़ा सरिया रहेगा तो बैंड थोड़ा मतलब बराबर नहीं होगा, अगर छोटा रहेगा ना उसके लेवल में तो आराम से एकदम मस्त हो जाएगा। तो एक बार और थोड़ा सा हम नीचे करते हैं और नीचे करके दिखाते हैं किस तरीके से उसको सही करना है। तो यहाँ चलते हैं फिर एक बार नीचे और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बैंड हुआ है, मतलब लेवल कम रहेगा तो इस तरीके से बैंड हो जाएगा दोनों साइड, मतलब देख सकते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये वाला तो कोई परेशानी नहीं है, इस साइड का, ये साइड का थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम एक क्या बोलते हैं कि राड की मदद से या हाथ की मदद से इसको बैंड कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से आप बैंड करना चाहते हैं बैंड कर दें, हाथ से ही बैंड कर देंगे तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तब यहाँ पे बैंड करते हैं, एक पाइप लगाते हैं बैंड करते हैं, देख सकते हैं पाइप ले लिया हूँ और इस तरीके से मतलब बैंड किया हूँ, यहाँ पे आपको बैंड कर देना है, मतलब कि रोड में जब भी आप गाड़ी चलाएंगे तो इधर मतलब कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं और इसको आप ऊपर करेंगे स्टेबलाइजर को तो एकदम टाइट हो जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।